बयान सामने आया है आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान का समर्थन किया। यूपी सरकार पर स्वामी प्रसाद इमाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही, पुलिस हिरासत में कभी भी हत्या करवाई जा सकती है। वहीं महागठबंधन में टूट पर भी उन्होंने सफाई दी। इसमें नेता स्वामी प्रसाद इमाल ने आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर समर्थन देते हुए कहा है कि योगी सरकार आजम खान के साथ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, उनकी पुलिस हिरासत में कभी भी हत्या करवाई जा सकती है। वहीं महागठबंधन में टूट पर भी उन्होंने सफाई दी। तो आजम खान के द्वारा दिए गए बयान का स्वामी प्रसाद इमौर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बदले की भावना से आजम खान पर कार्रवाई कर रही है। तो स्वामी प्रसाद इमौर ने आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान का समर्थन किया है और कहा कि योगी सरकार आजम खान के साथ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, उनकी पुलिस हिरासत में कभी भी हत्या करवाई जा सकती है। जिस तरीके से राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर के भाजपा सरकार उनके पीछे शुरू से लेकर के आज तक पड़ी हुई है और उत्प्लावक कार्रवाई जिस घटिया मानसिकता के साथ उनके साथ की जा रही है, स्वाभाविक रूप से उनके जान का खतरा है। इसके पहले भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा भी हटाई थी और अब परिवार के 3 सदस्यों को 3 जिलों में अलग रख करके इस तरीके से बदले की भावना से कातिलाना हमला करवाया जा सकता है, इनकाउंटर भी किया जा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका एक जीता जागता नमूना श्री आजम खान जी के साथ देखने को मिल रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक स्वाभाविक सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे इंडिया के सभी नेताओं ने आपस में इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि पहले हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा हम सभी मिलजुल करके आपस में तय कर लेंगे, इसलिए पहले पार्लियामेंट चुनाव हो, इंडिया गठबंधन का बहुमत आए तो प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी जनता पार्टी और जनता दल के दौर में हुआ था।